किया गया था PICU वार्ड। कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जनपदों में PICU वार्ड तैयार करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन गोड्डा में PICU वार्ड पहले ही से तैयार है, लेकिन PICU वार्ड पर हमेशा ताला बंद रहता है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अत्याधुनिक मशीनें धूल फांक रही हैं, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। देश में जहां कोरोना की तीसरी लहर की आहट हुई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त जनपदों के आदेश दिया है कि PICU वार्ड को बना करके तैयार करें। अगर वहीं जनपद गोंडा की PICU वार्ड की हम बात करें, तो जनपद गोंडा का PICU वार्ड लगभग 2 साल पहले ही बनकर खड़ा है और करोड़ों रुपए की मशीन लगाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से PICU वार्ड पर हमेशा ताला लगा रहता है और जो यहाँ स्टाफ की ड्यूटी है वो लाखों रुपये तनख्वाह लेकर के ड्यूटी पर भी दिखाई नहीं देते। गोंडा से राजेश शुक्ला, के न्यूज। जिला अस्पताल गोंडा में 10 बेड का एक पीटी JAS से प्रभावित बच्चों को इलाज करने के लिए बनाया गया था, जो कि लगभग 3 साल पहले बनाया गया था। उसमें एक पीडियाट्रिशियन केवल पोस्ट हुए हैं। किस्मत से आजकल JAS का कंट्रोल काफ़ी कुछ हो गया है और कोई ऐसे बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कि जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता हो।